अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे CTET एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 31 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CBSE लेटेस्ट अपडेट को और CTET 5 जुलाई 2020 लेटेस्ट अपडेट। जो CTET का दोस्तों पेपर जुलाई में होने वाला था, उसकी परीक्षा कब होगी उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और अपडेट की बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर दोस्तों आपने बीएड कर रखा है या बीएड करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। परीक्षा की संभावित तारीख भी इस वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें CTET परीक्षा का रास्ता साफ हो चुका है। अगर आपके मन में अभी भी दोस्तों थोड़ा बहुत भी डाउट है कि नहीं यार पेपर अब नहीं होगा, अभी नहीं होगा मतलब कोरोना काल में, तो उसको मतलब दूर कर दीजिए। आपका दोस्तों पेपर होने वाला है, अब आपको पेपर के लिए तैयार रहना है, ठीक है। एक और अपडेट की नई शिक्षा नीति छात्रों शिक्षकों के लिए लाभकारी नहीं। क्या दोस्तों, पूरा मामला इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आगे चलकर आपको टीचर बनना है तो इससे आपका फायदा है या नुकसान इसको देखेंगे। अनलॉक 4, ठीक है, 21 सितंबर से 50% शिक्षक आएंगे स्कूल। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। तो 21 तारीख आने वाली है, उसके बाद दोस्तों अगर आपने घर में मौज मस्ती की है काफ़ी लंबे समय से तो अब आपको स्कूल और कॉलेज जाना पड़ेगा। उसके बाद एक और अपडेट आई थी, देखिए, नई शिक्षक भर्ती में TGT बायो बाहर हो गया, विज्ञान के लिए लेंगे आवेदन। क्या दोस्तों पूरा मामला है, अगर आप बीएड के छात्र हैं तो इसको आपको जानना जरूरी होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि देश भर में बीएड कोर्स के साथ छात्रवृत्ति और नौकरी की गारंटी मिल रही। देखिए दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी थी कि यार अगर आप बीएड करेंगे, ये बात हो रही देश भर की, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही, उसके बाद नौकरी की गारंटी भी है। क्या है पूरा मामला, इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक वाली बटन को नीला कर दीजिए लाइक करके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं यार कौन सी हमें गारंटी मिल रही है बीएड करने पर। तो चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या है पहले, ठीक है। अपडेट आई है नई दिल्ली से। क्या अपडेट क्या है कि केंद्र सरकार की मंशा है कि मेधावी नौजवानों को डॉक्टर और इंजीनियर की तरह शिक्षक बनने के लिए आकर्षित किया जाए। इसके लिए उन्हें कोर्स के दौरान छात्रवृत्ति और बाद में नौकरी की गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों के छात्रों पर खास फोकस रहेगा। देखिए हाल में ही मंजूर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान को अमल में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय आने वाले दिनों में योजना का विस्तृत खाका तैयार करेगा। लेकिन सरकार की मूल योजना यह है कि काबिल छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक 4 वर्षीय उत्कृष्ट बीएड कोर्स शुरू किया जाए। इसमें एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। दूसरे कोर्स पूरा होने के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर ही नौकरी उपलब्ध करा दी जाएगी। योजना वैसे तो देश भर में लागू होगी, लेकिन मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर होगा जहां योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षा नीति के अनुसार इस योजना के योग्य उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो ये दोस्तों एक अच्छी खुशखबरी होगी अगर आपने बीएड कर रखा है तो। मतलब देखिए, उसमें एक बात कही गई थी, आपको याद है कि नहीं, डेमो टेस्ट की दोस्तों बात हो रही थी, मतलब डेमो इंटरव्यू होगा। इसमें दोस्तों होगा क्या कि जैसे अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वहां की जो भाषा होगी, लैंग्वेज होगी, उस पर पकड़ आपकी अच्छी होगी, आपको अपने गाँव की, ठीक है। अगर कोई बंदा दोस्तों बहुत दूर से आ रहा 400-500 किलोमीटर से, तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उस लैंग्वेज में जब आपका कंपटीशन होगा, ठीक है, भाषा का टेस्ट किया जाएगा, तो उसमें आप आराम से उस सीट पर दावेदारी आप अच्छी खासी प्रस्तुत कर पाएंगे। ये दोस्तों मैटर था, स्थानीय भाषा का आपको कितना ज्ञान है। तो ये सब बातें थी। उसके बाद चलिए एक और अपडेट देख लेते हैं कि नई शिक्षा नीति से आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। देखिए, सीटेट आप करने वाले हैं, सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान होना चाहिए कि क्या हो रहा है आखिर देश और समाज में, ठीक है। नहीं तो दोस्तों आप लोग खाली पढ़ते रहेंगे, पढ़ने से नौकरी थोड़ी नहीं मिलती है, समझदारी होनी चाहिए। नहीं तो एक से एक मतलब टॉपर बच्चे घर में बैठे रह जाते हैं और जिनको लगता है कि यार इनको तो नौकरी कभी नहीं मिलेगी, वो बच्चे बाजी मार कर ले जाते हैं। एक और अपडेट आई थी, पहले इसको जरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से अपडेट है कि TGT PGT वाली, ठीक है। क्या अपडेट है, नई शिक्षक भर्ती में TGT बायो बाहर हो गया है, क्या मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT पदों पर सितंबर के दूसरे सप्ताह तक संभावित भर्ती में हाई स्कूल स्तर पर TGT बायो को बाहर कर दिया गया है। इस बार अन्य विषयों के साथ TGT विज्ञान विषय का चयन होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जिलों में से मतलब जो अध्याचन मंगाया है उसमें TGT बायो का अध्याचन नहीं है। इससे पहले चयन बोर्ड ने 2016 में TGT PGT के तकरीबन 10,000 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, ठीक है। उसमें TGT जीव विज्ञान के 304 और TGT विज्ञान के 1140 पद थे।
हालांकि चयन बोर्ड ने भर्ती की समीक्षा के बाद 12 जुलाई 2018 को टीजीटी बायो की भर्ती यह कहते हुए निरस्त कर दी कि यह विषय हाई स्कूल स्तर पर अलग से पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए इस पर चयन कोई औचित्य नहीं है। 2 साल से भटक रहे 67,000 अभ्यर्थी, नहीं हुई है परीक्षा। ये दोस्तों पूरा मामला आपको बता दें कि अगले महीने क्या दोस्तों सितंबर की मीत यही तो बात हो रही है ना, तो 8 अगस्त तो हमारा समाप्त हो रहा है, 31 तारीख हो चुकी है, कल से सितंबर शुरू हो रहा है, तो मतलब सेकंड वीक से उम्मीद है कि नई भर्ती का दोस्तों जो शासन आदेश रहेगा ये सब वो आ जाएगा, उसके लिए अब आपको तैयारी शुरू करनी है। लेकिन ये अपडेट को भी जरा देख लेते हैं कि कौन से बच्चे भटक रहे हैं, अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों, चयन बोर्ड ने टीजीटी बायो के अलावा हाई स्कूल स्तर पर काष्ठ शिल्प, पुस्तक कला, टंकड़ और आसुलिपि मतलब टंकड़ व इंटर स्तर पर पीजीटी वनस्पति विज्ञान, जबकि हाई स्कूल तथा इंटर स्तर पर संगीत विषय समाप्त कर दिए थे। इनमें से टीजीटी बायो के 304 पदों के लिए 67,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इन अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के खिलाफ याचिका कर दी, जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को भर्ती का आदेश दिया था। उसके बाद चयन बोर्ड ने 20 फरवरी को इस भर्ती को निरस्त करने संबंधी अपने आदेश को वापस ले लिया। उप सचिव ने इसकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार कराने का भरोसा दिलाया था, हालांकि अब तक लिखित परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हो सकी है। तो देखिए दोस्तों, सरकार के पास पावर क्या है यार कि बच्चों को मतलब कोर्ट का सहारा हर जगह लेना पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए कि आप किस सरकार को वोट करने जा रहे हैं। जब आप घर से वोट करने निकलते हैं ना, जब चुनाव आता है, तो फिर ये इन सब बातों का दोस्तों उस समय आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी सरकार आपके फायदे के लिए काम करने वाली है और 5 साल मतलब कौन सी सरकार आपको नौकरी देगी। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि आज सरकार आती है दोस्तों कि जो पद थे उनको भी मतलब निरस्त कराने के लिए कहा जाए, उसके बाद कोर्ट का सहारा ले, अगर कोर्ट से दोस्तों अगर जीत ना मिलती तो इन छात्रों का क्या होता है, 67,000 बच्चों का क्या होता है। इन सब बातों को आप समझिए, जानिए, नहीं तो फिर आप पीछे होते जाएंगे, सारी अपडेट्स आप तक होनी चाहिए। अब बात आती है दोस्त एक और अपडेट थी, अनलॉक 4। 21 सितंबर से 50% शिक्षक आएंगे स्कूल। देखिए इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि अब आपको स्कूल जाना तो है नहीं, लेकिन हाँ अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे तो 21 तारीख से आपका स्कूल अब खुलना शुरू हो जाएगा। अच्छी बात क्या आपको बता दें कि अब अगले महीने से अक्टूबर में दोस्तों मतलब एक तरह से पूरा खाका तैयार हो चुका है कि अक्टूबर में आपके स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। वो खाली दोस्तों होता है ना एक ट्रायल बॉल जैसे, नहीं होता गली क्रिकेट में आप खेलते हैं तो ट्रायल बॉल, तो एक तरह से इसको हम ट्रायल के तौर पर कह सकते हैं कि 21 सितंबर से जो बच्चे स्कूल जाएंगे धीरे धीरे, तो उनमें एक ठीक है डर खत्म होगा कोरोना वायरस का। अभी तक क्या है ना कि बच्चे भी मानसिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि यार कोरोना वायरस से कुछ हो ना जाए, डर तो है ही है सब में। तो फिलहाल अगर सावधानी से आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे दोस्तों एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब दोस्तों आपका जो पेपर है वो सितंबर में हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है। इसका रीजन आपको बता दें, यहाँ सेंटर मिलने में खाली दिक्कत है सीटेट को, बाकी दोस्तों कोरोना वायरस इसका कोई भी मतलब वजह नहीं है। बहुत से छात्रों के मन में अभी भी संदेह बना हुआ है कि यार कोरोना वायरस है, उसके चलते ये परीक्षा नहीं हो पा रही सीटेट की। तो कोरोना वायरस से अब आज की डेट में कोई भी लेना देना दूर दूर तक नहीं है। कोरोना वायरस दोस्तों आता जाता रहेगा। आपको बता दें फिलहाल 24 घंटे में हमारे देश में क्या हुआ कोरोना वायरस पर, 24 घंटे में दोस्तों दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना मामले हमारे देश में सामने आए। 79,457 लोगों को कोरोना होता है, 960 लोगों की जान जाती है। अब तक मरने वालों की तादाद 64,000 को पार हो चुकी है, टोटल मामले 36 लाख को पार हैं। ठीक है, अंदाजा आप दोस्तों सब कुछ है, बहुत ही जल्दी हम लोग सेकेंड पोजीशन पर आने वाले हैं। बाकी अन्य देशों में कोरोना लगभग कंट्रोल में, यूएसए में 33,000 आया, ब्राज़ील में 15,000। इन दो देशों की दोस्तों बात छोड़ दें, ठीक है, अब यहाँ पर भाई यहाँ की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, तो अब इनकी हम बात करेंगे ही नहीं, बात उनकी होनी चाहिए दोस्तों जहाँ पर सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, जहाँ पर कोरोना लगभग कंट्रोल में है। देखिए चीन से कोरोना वायरस शुरू हुआ था, लेकिन आज टॉप 16 की लिस्ट में चीन का नाम आपको कहीं नहीं दिख रहा है। इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, समय पर दोस्तों सरकार अगर एक बड़ा फैसला ले, स्ट्रिक्ट फैसला ले, तो कोरोना कंट्रोल हो सकता था। लेकिन अब इस बीच आप देख रहे होंगे जेई का पेपर, नीट का पेपर, फाइनल ईयर का पेपर, सबका पेपर हो रहा है, उसके बाद सारे तरह से अनलॉक खत्म कर रहे हैं। मतलब अनलॉक 4 में क्या हो गया, पहले दोस्तों आपके यहाँ शादी वादी होती थी तो वहाँ 25 लोगों की लिमिट थी, अब 100 लोगों की लिमिट हो गई। इससे दोस्तों क्या फ़ायदा हुआ, कोरोना वायरस रुकेगा कि बढ़ेगा, ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नई शिक्षा नीति में क्या बातें थी इसको देख लेते हैं एक बार। अपडेट है प्रयागराज से कि नई शिक्षा नीति और शिक्षकों पर प्रभाव, विषय पर अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति की ओर से ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। शिक्षा नीति में जो शिक्षकों को चाणक्य के जैसा सम्मान दिलाने की बात कही गई है वह मात्र छलावा है, क्योंकि शिक्षा नीति में शिक्षकों की सेवा शर्तों व पेंशन आदि का कोई जिक्र नहीं किया गया।
जी हाँ दोस्तों, टीचर के लिए एक पेंशन बहुत ही बड़ा मुद्दा था, लेकिन इसको सरकार अब सुनने को तैयार नहीं है। तो इस पर भी दोस्तों आपको जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए कि आने वाले टाइम में पेंशन आ जाए तो आप लोग की भी नौकरी लगेगी, तो आपको भी पेंशन मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर संभावित तारीख चल रही है सीटेट की, तो वो बताते दोस्तों सितंबर लास्ट वीक है एक, तो ठीक है सितंबर में लास्ट में आपका पेपर हो सकता है। देखिए आपको एक और बात क्लियर करें, जब सीटेट का मतलब एग्जाम डेट जारी की जाएगी नई डेट शीट, तो कम से कम आपको 10 दिन का समय मिलेगा, 10 डेज, क्योंकि दोस्तों आपका एडमिट कार्ड भी तो डाउनलोड करना है ना। और पेपरों में दोस्तों क्या था कि छात्र पहले से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके थे, तो वहाँ कम समय भी मिला, तो वहाँ काम चल गया कि समय से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आपको क्या है कि अभी कोई भी छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, तो फिलहाल दोस्तों हमने नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दिया है, जैसे ही दोस्तों आपका एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। उसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, फिलहाल आपको 10 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन एक बात और है, अब आपको अच्छे से तैयारी रखना है, ये मत सोचिएगा कि आपको बढ़िया समय मिलेगा, एक महीने पहले 15 दिन पहले बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। 10 दिन दोस्तों हम कह रहे हैं, नहीं तो हो सकता है कि 5-6 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ही आपको बात पता चले कि आपकी परीक्षा की नई तारीख आ चुकी है। क्योंकि देखिए बस इंतजार दोस्तों हमें उस पल का है कि जिस पल सीटेट को मतलब लाखों छात्रों के लिए एक साथ मतलब सेंटर अलॉट हो जाए, क्योंकि आपको पता ना इसमें इस समय दोस्तों देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर हो रहा है, और आज 31 तारीख है तो राजस्थान में भी दोस्तों प्री डीएलएड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अगर आपको राजस्थान से तो आपको ये बात पता होगी। तो ऐसे दोस्तों हर जगह धीरे धीरे पेपर वेपर शुरू हो चुके हैं, तो अब परीक्षा में ज़्यादा डिले आपको देखने को नहीं मिलने वाला, तो आप तैयार हो जाइए। ठीक है, जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको बता देंगे। अगर आपने बीएड कर रखा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, डीएलएड के हैं तो भी शेयर करिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बता दें, एक चीज़ कि यहाँ पर नौकरी की गारंटी इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सुपर टेट का पेपर ये सब नहीं निकाल पाएंगे, तो नौकरी मिलना मुश्किल है। ठीक है, वो वाली बात जमाना गया है कि आपको दोस्तों मेरिट के बेस पर नौकरी दे दी जाएगी, सुपर टेट ये सब पेपर तो होगा ही ना, तो थोड़ा सा अट्रैक्ट किया गया बच्चों को और कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी दोस्तों और अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी में TGT PGT में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे दोस्तों इसके आवेदन शुरू होते हैं हम आपको अपडेट देंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हाँ, इस वीडियो के बाद दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार पेपर अभी नहीं होगा, दिसंबर में होगा और अगले साल होगा, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। परीक्षा दोस्तों, जो परीक्षा की नई तारीख होगी वो किसी भी समय जारी की जा सकती है, इसलिए आप लोग हमारी वीडियोस को हर रोज कम से कम यार 2-4 मिनट निकाल कर देख लिया करिएगा, नहीं तो दोस्तों तारीख आ जाएगी और आप लोग की पढ़ाई हो नहीं पाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण आपका पेपर नहीं रुका है, रुका इसलिए क्योंकि सेंटर की दोस्तों दिक्कतें हैं कि एक साथ लाखों बच्चों को बैठने के लिए सेंटर की व्यवस्था की जानी है ना, थोड़े इस बार सेंटर ज़्यादा लिए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।